पखाळ आउ महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृत परंपरा अंगागी भाव जड़ित जहाँ नहीं कि आज विश्व पखाळ दिवस समस्ते पालन करती जगन्नाथ संस्कृति आउ पखाळ भितरे कौन सामंजस्य रही कि संपर्क रही विशेष भाव आलोचना करवा मो सहित वरिष्ठ सेवायत डॉक्टर शरत चंद्र महांति अच्छा शरत बाबू आपन को स्वागत करी कनक न्यूज को एवं जेहेतु आज आम विश्व पखाळ दिवस पाळुचे तार भितर गोटे कथा मन पड़े महाप्रभुंकर से पखाळ कहीं कालिया सांत प्रत्येक दिन पखाळ खाई था बड़ सिंगार बेश समय लक्ष्मी सांताणी माँ लक्ष्मी सांताणी परिचय दे था ये जो पखाळ भितर जगन्नाथ संस्कृतिर कौन रही अंगांगी भाव जड़ित देखु ओडियाटीए महाप्रभु को कमी डाकि मुठे पखाळ रे पेट पूरे मोर छपन पौटी रे नाही मो लोभ माधव हे माधव तेणु ये पखाळ केते प्रिय ओडियाटीर सेटा ये कविता पंक्तिटर अनुमेय महाप्रभु कालिया सांत कोटी ओडियांकर मौड़मणि तेणु सीए पखाळ को केमिति अंगीकार करिसंति प्रत्येक दिन वर्षक 365 दिन महाप्रभु पखाळ सेवन करिथांति दही पखाळ अनेक प्रकार पखाळ जदिओ महाप्रभु खाइथांति किंतु विशेष भाव में बड़ सिंगार समय जीरा अदा दही शर्करा घृत आनुषंगिक परिमाण में लवण बा लुण पड़ी महाप्रभु को माटी पात्र पखाळ ओळी रे पखाळ निवेदन करा जाय थाए एवं सुपकार सेवक माने अति पवित्र भाव सहित रोषशाला रे स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत करी रत्न सिंहासन निकट रे छामुरे नहीं करी बाढ़ी थांती एवं महाप्रभु पखाळ सेवन राति रे करी पखाळ खाई जो निद्रा जाती तेणु से भली सुख निद्रा जाई थांती जेतेबेले कहुछे पखाळ सहित ओडियांकर संपर्क अति निबिड़ बोली कहुछे आम कालिया सांत पखाळ को बेस आग्रह सहित भोग लगी बड़ सुंगार बेस समय तार भितर आम जी जा कहुए गोटे ढेग अच्छी जे पखाळ रे घी ये जो ढेगटा अच्छी से ढेगटा कौन जहाँ को लेकिन सब वाले से गोटे कहुए आम जाने अति वरिष्ठ नागरिक मैंने ढेगटा को सब प्रयोग कर पखाळ रे घी पखाळ रे साधारण तो लुण पड़ी थाए बा दही पड़ी थाए बा आंब नासी टे भांगिक खाई था किए लेंबू चिपुड़ी थाए कि महाप्रभु क्षेत्र में निरा महाप्रभु पखाळ रे घी पड़ी कि पखाळ खाई था आज विश्व पखाळ दिवस जो भाव कालिया सांत को पखाळ आ भोग करा जाए थे माँ लक्ष्मी सांताणी भोग कर गोटे निहार थाए जहाँ को लेकिन आज ओडिया बेस गर्वित हुए पखाळ को लेकिन से आज विश्व पखाळ दिवस समस्ते आज घर घरे विश्व पखाळ दिवस को पाली था समस्ते आडंबरपूर्ण भाव यही विश्व पखाळ को आज घर खाई पखाळ दिवस को बेस मनई।